हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल यादव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। बात करते हैं 9 जुलाई एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के थर्ड शिफ्ट की। कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या क्या क्वेश्चंस आए, कितने अटेम्प्ट किए आपने? जी सर, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और मैंने 76 किया, 83 क्वेश्चन किए। 75 करेंट से क्या महाबलेश्वर की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये भगवत गीता को सबसे पहले अंग्रेजी में वर्ड किसने ट्रांसलेट किया था, किसने ट्रांसलेट किया जी था। हीराकुंड बाद किस नदी पर स्थित है जो कि महानदी पर स्थित है? और ऐसे थे कि 2021 में 15 अगस्त का दिन कौन सा होगा, कैलेंडर से क्वेश्चन से क्वेश्चन थे। 1979 का वर्ल्ड कप किसने उठाया था? 1979 का वर्ल्ड कप किसने उठाया था? उसमें ऑप्शन थे श्रीलंका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका न्यूजीलैंड तो अभी तक नहीं उठाया है, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया शायद, पर वेस्ट इंडीज राइट है। फ्रिक्वेंट जो जगह पूछी गई है जैसे कि डैम्स का नाम पूछ लिया गया एंड ये सारी चीज़ें जो पूछी गई हैं। किस डैम्स का नाम पूछा था? डैम्स का नाम चेन्नई का था आई थिंक, कोई नाम मुझे याद नहीं है, वो बहुत थोड़ा टिपिकल नाम था, दैट्स वाई। रिवर के बारे में कौन सा पूछा गया? रिवर जैसे कि एक हीराकुंड डैम के बारे में पूछा गया तो वो किस नदी पे वो सिचुएटेड है, ये हाँ ये सारी चीज़ें। जैसे कि एक चाइना का एक क्वेश्चन था कि डेड सी मतलब उसे सोर सी किसे कहते हैं, सोर रिवर किसे कहते हैं, तो वो पूछा गया था। अवार्ड से कोई क्वेश्चन? अवार्ड से कोई क्वेश्चन नहीं था। इवेंट, कोई बड़ा इवेंट राइट नाउ तो कोई इवेंट नहीं पूछा गया था, एक गेम था मैं उसकी वो कोई रीजनल गेम था उसका, तेलंगाना था का था या आई थिंक चेन्नई का था, वो पूछा गया था, कोई रीजनल गेम था मतलब लोकल गेम, उसके बारे में पूछा गया था। और साइंस के ऊपर एक दो क्वेश्चन आए थे मतलब कि वो एक टेक्निक का नाम पूछा गया था, वो LDMC करके कुछ था या LDRC समथिंग कुछ था, लाइट डिटेक्शन ऐसे कुछ था आई थिंक, रिकरिंग या रिफ्लेक्शन समथिंग ऐसे कुछ था। केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं? बायो केमिस्ट्री फिजिक्स? नहीं नहीं नहीं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों से कुछ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, एक इकोनॉमी सर्वे के ऊपर आया हुआ था एक क्वेश्चन, बस उसके अलावा कोई क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था राइट नाउ सर? उसमें ये पूछा गया था कि मतलब प्राइस जो है वो कितना रखा गया उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, वो चीज़ उसमें पूछी गई थी बस। मैथ में ज़्यादा तरीका से वो सारणी वगैरह होती है ना, पाई चार्ट वगैरह, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्राफ ज़्यादा आ रहे हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। किस तरह के चार्ट सर? जैसे कि दे दिया जाए, एक क्वेश्चन था ब्याह में रीजनिंग का, जैसे ABC मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और ये 1000 किलोग्राम बढ़ोतरी है तो इसमें सी की व्यता क्या होगी, मतलब लाभ होगा या हानि होगा, हानि या लाभ, ये पूछ रहा था सर। जैसे ग्राफ के 3-4 क्वेश्चन दे दिए हमारे को, ABC मार्च जनवरी फरवरी मार्च, उसमें पूछा था सी और बी का अनुपात क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा दो क्वेश्चन शायद ऐसे बने हैं जो कि मतलब ट्रायंगल दे रखा था उसमें दो साइड दे रखी थी, तीसरी साइड निकालनी थी, साइड निकालनी थी उसका। जैसे एक रीजनिंग में क्वेश्चन आया था अदरक तना है तो मिर्च क्या है, हाँ ये क्वेश्चन भी था अदरक तना है तो मिर्च क्या है, सर उसका आंसर राइट फलसा मेरे अकॉर्डिंग सर। परसेंटेज के 2-3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ऐसे आ रहा था जैसे कि मानो कोई चक्रवर्ती ब्याज की धनराशि से एक मतलब 3 वर्ष में 8000 रुपये हो जाती है और 6 वर्ष में 27900 कुछ हो जाती है तो उसकी वो क्या है परसेंटेज चक्रवर्ती ब्याज, वो बताना था। मैथ्स से क्या रहा? मैथ्स में ये था जनरली जो था कि मॉडरेट लेवल था उसका, कोई ऐसा नहीं था। एक वो आया था कि ये पाई डायग्राम नहीं, बार के ऊपर आया था, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन जो था वो बार ग्राफ के ऊपर आया हुआ था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चंस बहुत बढ़िया थे, यानी कि रेशियो एनालिसिस उसमें पूछी गई थी कि कंपेरिजन पूछा गया था, मतलब उसमें क्वेश्चन ये था कि आपको सेल्स दे दी गई थी 1000 kg उसके हिसाब से एंड आपको मंथ में डिवाइड कर दिया गया था है ना सेल्स, और उसमें कैटेगरीज ABC ऐसे करके कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई थी, फिर उनमें कंपैरिजन पूछ रहा था कि किसका रेशियो एज कम्पेयर टू किस मंथ में कैसे डिफर कर रहा है और कैसे वेरी कर रहा है। पाइप एंड सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं था, उससे टाइम एंड वर्क से था ओनली वन। क्या क्वेश्चन था राइट ना? उसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था कि ABC उनके डेज दे रखे थे कि एक 26 में करता है, एक 36 में करता है और एक 10 डेज में करता है, तो वो कम्प्लीटली टुगेदर में कितने करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ? टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आया हुआ था बस। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन उसमें ये था कि बस उसमें डिस्टेंस दे रखी थी कि ए है जो वो कंप्लीट करता है इधर से एंड जो बी है वो अपोजिट डायरेक्शन से कंप्लीट करता है, तो उन दोनों का मिक्सअप करके वो बताता ना कि हाँ उनमें कितना यानी कि किस हिसाब से स्पीड दी जाएगी। स्क्वायर रूट से इनके ऊपर बेसिस काफ़ी थे, सिंप्लीफिकेशन जो थे काफ़ी टफ आए हुए थे क्योंकि उनमें जो क्यूब्स कह रहा हूँ जो उनकी पावर्स थी वो काफ़ी हाई थी है ना, बट ये था कि उसमें सिंप्लीफाई में बेसिकली एक क्वेश्चन बहुत इजी था बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन से थोड़े टफ थे। क्या क्वेश्चन थे? क्वेश्चन में जैसे कि एक तो पॉइंट में दे रखे थे
और फिर उसके ऊपर उनकी पावर इतनी हाई दे रखी थी, किसी में 6 है, किसी में 10 पावर है, किसी में ऐसे ऐसे करके बहुत पावर हाई दे रखी थी, तो उनमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी उन्हें कैलकुलेट करने के लिए। रीजनिंग का सर जो फिगर वाले जो आते हैं वो वाले भी बहुत ईजी था, एंड देन उसके बाद एक ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने के लिए आता है वो भी ईजी था। ऐसा कितने फिगर थे? बस ट्रायंगल से आया था, किस फिगर से? ट्रायंगल्स में आया था, उसमें 10 फिगर्स थे। 10 फिगर्स थे उसमें, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए मतलब उसको कॉम्प्लेक्स किया गया था डायग्राम को, बट ऑन एन एवरेज अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो वो बहुत ही ईजी था, उसको कर सकते थे। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन था? ब्लड रिलेशन से एक ही क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था उसमें? ये था कि एक सीता इज द सिस्टर ऑफ रोहित एंड रोहित इज अ वाइफ ऑफ ममता, ऐसे करके कंपैरिजन बताना था। तो एक यानी कि ममता का एक बेटा था और रोहित का भाई, ये वो जो लड़की थी सीता का भाई, यानी कि वो, उन दोनों में कंपैरिजन बताना था कि वो उन दोनों में क्या कंपैरिजन आ रहा है। तो वो ब्रदरहुड का आया था। कोडिंग डिकोडिंग से क्या रहा? कोडिंग डिकोडिंग से इतना कुछ नहीं था, बट उसमें इंटरचेंज करने के लिए आया हुआ था कि राइट नाउ डिजिट्स को इंटरचेंज करना था और उनके साइंस को इंटरचेंज करना था, बट टिपिकल था इनमें नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो थोड़े टिपिकल थे, क्योंकि उनमें कंपैरिजन करना बहुत ही, क्योंकि मॉडरेट से पॉइंट्स उनमें कैलकुलेट करने पड़ रहे थे तो वो थोड़ा टाइम ले रहे थे। जैसे क्या क्वेश्चन थे? जैसे क्वेश्चन था उसमें कि ब्रैकेट में दे रखा है कि कंपैरिजन करने के लिए एक सीरीज दे रखी है कि 17, 4 and 10, तो फिर उसी सीरीज को देखते हुए नीचे जो ऑप्शंस में से वो सीरीज को मेंटेन करते हुए उनको देखना था। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से एक क्वेश्चन था उसमें क्या क्वेश्चन था? उनके ऊपर था कि ऑल हैंड्स आर एक्स, ऐसे करके तीन कंक्लूजन एंड तीन स्टेटमेंट दे रखे थे, तो उसमें सारे कंक्लूजन ही राइट थे। क्लोज टेस्ट में भी बढ़िया था, क्लोज टेस्ट इज ईजी। क्या था उसमें? ये था कि एक क्वेश्चन पूछ रहा था टीचर बच्चे से कि टॉपिक क्या था। टॉपिक ये मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि एक क्वेश्चन, जैसे टीचर जो है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा था बच्चे से कि आपको यानी कि पेंसिल के बारे में बताना है कि हाउ शुड यू मेक अ सेंटेंस ऑन पेंसिल दैट यू हैव अ पेंसिल दैट यू डोंट हैव अ पेंसिल, तो उसके ऊपर एक वो था। तो वो बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ईजी था, क्योंकि उसमें ओनली डू डज हैव इन सब को फिल करना था। और जैसा कि आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस रहे, और लगातार ऐसी वीडियो ही आपके मिलती रहेंगी। लगातार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और सेकंड शिफ्ट का हम रिव्यू नहीं दे पाए थे बारिश के कारण, मगर कल सही टाइम पर आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं विशाल यादव, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए, और कैमरा संभाल रहे अमित।